क्या आपने कभी सोचा है कि लॉन्ग ड्यूरेशन सॉर्टी के दौरान अगर किसी पायलट को वॉशरूम यूज करना हो तो वो क्या करते हैं? क्या फाइटर कॉकपिट में पायलट के लिए टॉयलेट मौजूद होता है? क्या है पूरी सच्चाई देखेंगे आज की वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यूजली किसी भी नॉर्मल सॉर्टी का ड्यूरेशन 20 मिनट से लेकर 90 मिनट तक वेरी कर सकता है, और अगर पायलट को इस टाइम पीरियड में वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस होती भी है तो वो आराम से लैंड होने के बाद वॉशरूम जा सकता है। पर असली प्रॉब्लम्स आती है मिशंस के दौरान। मिशन दरअसल अनसर्टेन होते हैं और इस कारण से हम पहले से सॉर्टी ड्यूरेशन का आइडिया नहीं लगा सकते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में पायलट क्या करते हैं, इसको अच्छे से समझने के लिए हमें पास्ट में जाना होगा। एविएशन के शुरू के दिनों में ही एविएशन एक्सपर्ट्स ने आने वाले टाइम में पायलट्स को इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी इसका आइडिया लगा लिया था, और वो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने में लग गए। तो फिर उन्हें इंस्पिरेशन मिली क्रिकेट में यूज होने वाले इक्विपमेंट एल गार्ड से। एल गार्ड की शेप को मॉडिफाई किया गया और उसमें एक पाइप अटैच की गई जो कि कनेक्टेड थी डायरेक्ट एयरक्राफ्ट से, और इस पाइप के थ्रू ही पायलट के वेस्ट को डायरेक्टली रिलीज कर दिया जाता था एटमॉस्फेयर में। ये यूरिनरी सिस्टम उस समय के हिसाब से सही काम कर रहा था, पर इन यूरिनरी सिस्टम को न्यू सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट के साथ यूज करना काफी डेंजरस हो सकता था, और ऐसे में जरूरत थी न्यू यूरिनरी सिस्टम डेवलप करने की। और अब इंट्रोड्यूस हुआ पिडल बैग, जहां पहले पाइप का एक हिस्सा डायरेक्टली एयरक्राफ्ट से कनेक्टेड था, वही अब उस हिस्से को इस बैग से कनेक्ट कर दिया गया ताकि पायलट वेस्ट को एनवायरनमेंट में रिलीज करने के बजाय इस बैग में स्टोर कर सके, और लैंडिंग के बाद पायलट से वेस्ट को डिस्पोज कर दिया जाता था। इस पिडल बैग के कारण अब पायलट के वेस्ट को डायरेक्टली एनवायरनमेंट में रिलीज करने की जरूरत नहीं रह गई थी, पर इन पिडल बैग से वेस्ट प्रॉपरली डिस्पोज नहीं हो पाता था। इसके बाद एक केमिकल सब्सटेंस बनाया गया जिसे पिडल बैग में डाल दिया जाता था। ये केमिकल सब्सटेंस पायलट के वेस्ट को सॉल्ट में कन्वर्ट कर देता था जिसे पायलट वेस्ट को लैंडिंग के बाद आसानी से डिस्पोज कर सके। पायलट इस पिडल बैग को अपने पैर पर बांध कर रखते हैं ताकि ये बैग फ्लाइंग के दौरान कोई परेशानी ना क्रिएट करे। प्राइवेट और गवर्नमेंट एजेंसीज दिन रात कोशिश करती है कि न्यू यूरिनरी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाए जो कि पहले से ज्यादा सेफ और कंफर्टेबल हो। पायलट्स को ये यूरिनरी सिस्टम कंफर्टेबल नहीं लगते हैं, इसलिए वो इनका यूज करना अवॉइड करते हैं, स्पेशली छोटी फ्लाइट्स में। वही अथॉरिटीज चाहती है कि पायलट्स इन यूरिनरी सिस्टम को यूज करें ताकि उन्हें यूरिन होल्ड ना करना पड़े। लाइक करें हमारी वीडियो को, और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।